12.3 यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh है और गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। हम जानते हैं कि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर नियत। चित्र क्रमांक 17, गिरती हुई वस्तु। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। बहुत से ऐसे अन्य उदाहरणों, अवलोकनों और तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आइए क्रियाकलाप द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं।